हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वन टक्स ये राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। इसका लुक आप देख सकते हैं, एकदम सभ्यसाची लुक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसका। तो इसकी फुल कटिंग करना हम डिटेल में सीखेंगे। तो इस ब्लाउज का मेजरमेंट आप देख लीजिए, इसकी तैयार लेंथ है वो 14 इंच है, चेस्ट यहाँ पर 36 है, कमर 30 है, शोल्डर है 14.5 इंच, बैक नेक है 10 इंच और फ्रंट नेक है 7.5 इंच। और फ्रंट का जो नेक है वो हम वी नेक या फिर पान गला कोई भी इसमें रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ब्लाउज कटिंग है ये वन टक्स पे होगा और इसके साथ ही यहाँ पर शोल्डर में भी हम इसमें टक्स डालेंगे। कैसे डालेंगे आप वीडियो में देख लीजिएगा। और इसकी फिटिंग कैसे आती है पहनने के बाद वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन आप जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले आपको देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इसकी कटिंग आपको पेपर के ऊपर करनी है क्योंकि इसमें जब हम शोल्डर में टक्स लगाएंगे तो उस टक्स को वापस जॉइंट लगाते हैं। तो इसके लिए आपको सीधी कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग नहीं करनी, पहली बात का तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस पेपर को देखिए मैंने सीधा कर लिया है तो इसकी कटिंग हम पेपर के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। सबसे पहले आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ हमारी तैयार है 40 इंच और इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है तो कितना आएगा 16 इंच। तो हम लेंथ के लिए यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है, क्योंकि इसमें फ्रंट में बेल्ट आएगा तो जब इसको बेल्ट को वापस से हम जॉइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 इंच उसमें चला जाएगा और हाफ हाफ इंच नीचे और ऊपर की तरफ मार्जिन में चला जाएगा, ठीक है, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर हम लंबाई के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशान्स को देखिए यहाँ से सीधा ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये पेपर देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल ही लिया है, आप चाहो तो इसको फोल्ड करके डबल में ले सकते हो। तो यहाँ से ये मान लीजिए इसकी फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम पहले निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के लिए यहाँ पर देखिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इसमें से जैसे टोटल हमारे शोल्डर कितने हैं 14.5 इंच, तो हुआ 7.5, लेकिन आपको 7.5 नहीं लेने, आपको यहाँ पर 6.5 इंच इसके शोल्डर लेने हैं और 7 इंच यहाँ से इसका आर्म होल लेना है और इन निशान्स को ऐसे सीधा मिला देना है इस तरीके से, क्योंकि ये शोल्डर बाद में कम होगा, इसमें शोल्डर में हम यहाँ पर टक्स डालेंगे इसलिए यहाँ पर हमने शोल्डर ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने ये शोल्डर 6.5 इंच लिया है और आर्म होल यहाँ से मैंने 7 इंच लिया है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा कितना है 36 इंच, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 9 इंच। और फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच की लूजिंग देनी है तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, ठीक है। तो चेस्ट का हमारा यहाँ पर नाप आ गया 9.5 इंच, तो यहाँ पर हम ये निशान लगा देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। मार्जिन देखिए फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हो। और एक निशान देखिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें 1 इंच की यहाँ पर गोलाई कर देनी है। तो अभी हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक के लिए निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच आपको नेक की चौड़ाई लेनी है। और यहाँ से हाफ इंच जितना शोल्डर को डाउन कर देना है, हाफ से पौना इंच जितना भी कर दीजिए, पौना इंच मैंने यहाँ से डाउन किया है 0.75 इंच, ठीक है। और इस साइड भी हमें एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अभी हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 13 इंच पे। अगर आप 36 साइज़ से कम साइज़ का बना रहे हैं, जैसे आप 32, 34, 30, तो ये निशान आप देखिए 12.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और 44 से ऊपर साइज़ का बना रहे हैं तो आप ये निशान
13.5 इंच पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट का, तो बस्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर 9.5 इंच, और इसमें हमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है, तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमें एक निशान 4 इंच पर लगा देना है, यानी चेस्ट का 10वां भाग, 4 इंच से थोड़ा सा कम लगाया है मैंने, जैसे 36 इंच है तो 3.6 होता है, लेकिन इसमें मैंने 2 पॉइंट प्लस करके यहाँ पर ये निशान लगाया है, ठीक है। और इस निशान को सीधा खींच दिया है, ये हो गया। अभी यहाँ पर जो एक हम टक्स डालेंगे वो हम 2 इंच की डालेंगे, तो इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये टक्स बना देनी है। अगर आपका चेस्ट थोड़ा उबार ज़्यादा है, हैवी चेस्ट है, तो आप ये टक्स यहाँ पर 2.5 इंच की भी लगा सकते हैं, 3 इंच तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमने यहाँ पर ये हमारा शोल्डर बचा हुआ है, इसका हमें बीच सेंटर करना है, और इसके दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पर निशान लगाना है, यानी यहाँ पर हमें टोटल 1 इंच की टक्स लेनी है शोल्डर की तरफ। तो इस तरीके से इस वाले टक्स को भी हमें आगे की तरफ खींच देना है। देखिए गाइस, ये वाला आप ब्लाउज पैटर्न आप बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इसकी फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है, इसका लुक भी बहुत ही प्रीटी आता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हमें बेल्ट का राउंड करना है, तो आपको एक निशान ऐसे 3 इंच पर लगाना है, और इस तरीके से रखते हुए बेल्ट का शेप दे देना है। देखिए बेल्ट का शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये निशान 3 इंच पर लगाया है, या आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेल्ट का भी शेप बन गया है, और जो हमने ये टक्स लगाई थी इसको हमें नीचे की तरफ ऐसे सीधा खींच देना है बस। तो इस तरीके से हमारी देखिए इस ब्लाउज में 2 ही टक्स आएगी, एक ये नीचे की तरफ हैवी टक्स, और एक ऊपर की ये तरफ शोल्डर की तरफ जो टक्स आएगी, ये 2 ही टक्स इसमें आएगी। अभी इस पैटर्न को देखिए हम यहाँ से कट करेंगे, इसके बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस टक्स को हमें कैसे कट करना है, कैसे इसको वापस से ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ से कट हो गया है, इसको हम देखिए पेपर को साइड में करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वाला पार्ट है ये हमें इसमें से कट करके हटा देना है, जो मैंने ये लाइन की है, ये वाला हमारा टक्स का पार्ट है, सिर्फ 2 ही टक्स इसमें ये आएगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले हमने जो शोल्डर डाउन किया था इसको हमें कट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने जो ये टक्स के निशान लगाए हैं इसको भी यहाँ से हम कट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वाले हिस्से को भी देखिए हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस वाले हिस्से को हमें निकाल देना है, और अभी देखिए इन पार्ट्स को ऐसे एकदम से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे, और सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पर इसको हमें चिपका देना है इस तरीके से। आप चाहो तो इसको ऐसे स्टेपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हम नीचे की तरफ टक्स लगाएंगे इसको भी हमें यहाँ से कट कर लेना है इस तरीके से, ये कट होगी। अभी जो हमने ये बेल्ट का निशान लगाया है इसको हम यहाँ से कट करेंगे, और अभी देखिए जो ये हमारा बेल्ट है इसको भी यहाँ से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए गाइस ये बहुत ही आसान, आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए इसको कटिंग करने के लिए ये चार्ट पेपर का यूज़ किया है। अगर आपके पास चार्ट पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसकी कटिंग आप देखिए न्यूज़पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, वो भी ईजीली यहाँ पर कटिंग हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से देखिए हल्का सा ये तिरछा हो रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ से भी सीधा कर देना है, ठीक है। अभी हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, शोल्डर हमारे 5.5 इंच रहे हैं, ठीक है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी शोल्डर पट्टी और पतली चाहिए तो आप 2.5 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर 3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है।
और जितना भी आपको नेक डीप चाहिए उसका निशान लगा लें। तो यहाँ पर देखिए, आप दो नेक पैटर्न इसमें बना सकते हैं, या तो आप इसमें वी नेक बना सकते हैं या फिर आप इसमें पान गला बना सकते हैं। इसमें आप राउंड नेक है वो नहीं बना सकते, इतना डीप हम राउंड नेक नहीं बना सकते, वो बहुत ही फैलेगा और शोल्डर डाउन होंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें पान गला बनाऊंगी, उसका लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको वी नेक बनाना है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन कीजिए और फिर हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ करते हुए आप कट कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको पान गला बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से आपको इसकी ड्राइंग बना लेनी है और इसको भी हमें कट कर देना है। तो ये देखिए गाइस, हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जब इसकी टक्स लगेगी तो ये देखिए इस तरीके से इसका पफ है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो अभी ये कंप्लीट कटिंग नहीं हुआ है, एक चीज़ इसमें और बाकी रह गई है, वो देखिए क्या है। यहाँ साइड से हमें इसको कट करना है, तो यहाँ पर आपको एक निशान हाफ इंच पर लगाना है। यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ तक इसको ऐसे तिरछा मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से कट नहीं करोगे तो आपके आर्म होल में रिंकल्स आएंगे ब्लाउज़ में, यहाँ पर साइड में, जो कि ब्लाउज़ का लुक है वो बहुत ही ख़राब करते हैं। तो इसको यहाँ से आपको तिरछा ज़रूर से कट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसमें टक्स लगेगी तो ये बेल्ट इसका परफेक्ट आएगा। इसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जो अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर रख कर कट करेंगे। तो इसको कैसे कट करना है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो ये कपड़े की यहाँ से अनफोल्ड साइड है, यहाँ पर हम इसको रखेंगे क्योंकि फ्रंट से हमारा ये पूरा पैक रहेगा, बैक ओपन ये ब्लाउज हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसको हमें इस फैब्रिक के बराबर से रखते हुए कट करना है, और जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बेल्ट वाला है इसकी देखिए सिंपली यहाँ पर रख के आपको मार्किंग कर लेनी है। तो बेल्ट वाला हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको हल्की सी इसमें मार्जिन छोड़नी है, जितनी हम पाइप पिन अटैच करते हैं उतनी, हाफ इंच से एक सूत कम, मतलब आपको ये यहाँ पर छोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो आपका यहाँ से ब्लाउज है आगे से थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहेगा, तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही आपको ये मार्जिन छोड़ना है, बेल्ट में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से वापस से ये जॉइंट होगा, यहाँ पर इसमें ये पाइपिंग लगेगी, इसलिए आपको ये मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, आ गया समझ में। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर लेना है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देखिए उसकी भी अलग तरीके से कटिंग होगी, जैसे फ्रंट वाया वैसे कटिंग नहीं होगी। तो अभी क्या करेंगे, फिर से मेजरमेंट देखेंगे, लेंथ कितनी है 14 इंच, इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, पीछे इसकी हुकाई पट्टी बनेगी तो उसके लिए हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। अभी हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए, लेंथ हमारी तैयार है 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ पर निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, तो शोल्डर हमारे यहाँ पर है 5.5 इंच, ठीक है, और आर्म होल यहाँ से हम लगाएंगे 6 इंच, ठीक है, और इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको एक निशान बाहर की तरफ लगाना है और इसे तिरछा मिला देना है। देखिए हम फ्रंट पार्ट में अंदर की तरफ लगाते हैं और बैक में बाहर की तरफ, और यहाँ से 1 इंच का आपको गोलाई करते हुए आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट हमारा यहाँ पर कितना है 36, इसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच, बैक में आपको लूजिंग यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। इसके बाद कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, कमर 30 इंच है तो यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक में प्लेट्स के लिए, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से भी देखिए इसको हल्का सा डाउन कर देना है आर्म होल को, ठीक है। और एक निशान आपको यहाँ पर हाफ इंच पर लगाना है, और बैक में टक्स के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको जो टक्स लगाएंगे वहाँ तक ऐसे तिरछा मिला देना है, ठीक है। बैक में जो टक्स लगाएंगे उसकी लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे, इसके दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर टक्स का निशान बना देंगे। तो इस बहुत सिंपल है, देखिए सिंपली आपको इस तरीके से बैक की मार्किंग करनी है। अभी मार्किंग करेंगे हम गले के लिए, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से हम लेंथ इसकी 10 इंच लेंगे,
और इस तरीके से एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप वी नेक बना सकते हैं या फिर राउंड नेक भी आप बना सकते हैं। मैं भी इसमें देखिए सिंपली ऐसे पान गला ही इसमें इस तरीके का बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नेक पैटर्न है वो बना सकते हैं। तो बैक की भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी इसको यहाँ से कट करना है। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मेथड है वो कैसा लगा है और इस ब्लाउज़ को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एंड गाइस अगर आप इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसका पार्ट टू बनाया है। देखिए मैंने वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट में मैंने इसकी कम्प्लीट आपको स्टिचिंग बताई है, फ्रंट पार्ट को कैसे इसको स्टिच करना है, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। वीडियो की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो वाली वीडियो डेफिनेटली देखिएगा कि कैसे इसमें पाइपिंग अटैच करनी है। गुम तरीके से मैंने इसमें पाइपिंग लगाना भी बताया है और कैसे इस पफ को बनाना है, कम्प्लीटली डिटेल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो हमने टक्स का निशान लगाया है वो आपको कट नहीं करना। यहाँ पर हम ऐसे ही इसमें टक्स लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो बीच में से भी मैंने यहाँ से कट कर दिया है और जो बेल्ट वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर दो कपड़े कट किए हैं, क्योंकि जब इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे तो हम इसको गुम तरीके से लगाएंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप एक ही अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर दो पीस है वो कट किए हैं बेल्ट के। नीचे से भी देखिए इसको हम कट करके बराबर से कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी इसको हमें क्या करना है, मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कट कर लिया है इस तरीके से। तो ब्लाउज़ यहाँ पर देखिए हमारा कंप्लीट कट हो चुका है। इसमें मैं जो स्लीव्स लगाऊंगी वो पफ स्लीव्स बनाऊंगी। तो पफ स्लीव्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं रेडी होने के बाद, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको इस तरीके से स्टिचिंग कैसे करना है वो आपको डिटेल वीडियो पार्ट टू में मिलेगा और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड गाइस देखिए इस ब्लाउज़ को पहनने के बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम सब्यसाची ब्लाउज़ बनाते हैं सेम वही लुक इसका आता है, ये देखिए। और इसका आर्म होल फिटिंग और इसका नेक फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है। तो अगर आप इस तरीके से इसकी कटिंग करोगे तो इसकी फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और इसका सेकेंड पार्ट आप ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।